अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे नान खताई। नान खताई के लिए हमें चाहिए, हमने 250 ग्राम मैदा लिया है और उससे आधा, ये 200 ग्राम और ये 50 ग्राम का कप है। तो हमने ये टोटल 250 ग्राम मैदा लिया है और उससे आधा हमें शक्कर लगेगी, ये यानी कि 100 ग्राम और ये 25 ग्राम है। तो 125 ग्राम हमें शक्कर लगेगी और 125 ग्राम बटर या तेल या सादा घर का मक्खन, हमने ये सादा घर का मक्खन लिया है। तो ये 125 ग्राम मक्खन है और उसके हिसाब से हमें एक अंडा लगेगा और बिल्कुल आधा टीस्पून इलायची पाउडर लिया है हमने, एकदम पाव टीस्पून हमें खाता सोडा लगेगा जिसमें हम नींबू का रस डाल के इसमें डालेंगे और चुटकी भर नमक लगेगा हम। तो चलिए सबसे पहले हम ये जो मक्खन रखा है, मक्खन और शक्कर को ब्लेंडर से फेंट लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें ये जो मक्खन रखा था ये डाल दें। सबसे पहले हम इसमें ये मक्खन डाल लेंगे। फिर इसके बाद इसमें ये अंडा जो रखा था ये डाल देंगे। इसके बाद इसमें हम शक्कर डाल लेंगे। हम इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से शक्कर आपके हिसाब से कम ज़्यादा भी आपके हिसाब कम भी ले सकते हैं। इसमें हम सोडा और इलायची पाउडर डालेंगे।
ये जो इलायची पाउडर रखा था ये डाल देंगे। अब बस चुटकी भर नमक डालेंगे। इस तरह से इसे हम फौरी मिला के डाल देंगे। नींबू डालते ही इसमें हम इस तरह से नींबू का रस तरह से इसमें ये बीन निकाल देंगे इसके। ये इस तरह से इसमें डाल देंगे। इसे एक बार और ब्लेंडर कर देंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हम अगर हमें गुनने में थोड़ा दूध लगेगा तो गुनते वक्त हम तो दूध ले लेंगे एक से दो दो तीन टेबल स्पून। अगर हमें लगेगा कि इसमें गुनने में ज़रूरत है पानी या दूध कुछ भी ले सकते हैं आप, तो हम दूध ले रहे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें मैदा डाल के थोड़ा थोड़ा गुनना शुरू करेंगे। से हाथ से ही गुनना है। अगर हमें लगेगा तो ही हम दूध डालेंगे, नहीं तो ये जो बटर हमने जो मक्खन हमने डाला है उसमें खुद बटर मिल्क है, इसलिए हम हमें अगर ज़रूरत लगेगी ही तो हम दूध डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। हमें नहीं लग रहा कि हमें दूध की ज़रूरत पड़ेगी, बस हमारे लिए काफ़ी है इतना ही, क्योंकि हमने बटर वाला मक्खन लिया था, घर का बटर लिया था हमने जिसे मक्खन कहते, तो इसलिए इसमें थोड़ी छाछ भी रहती है, तो इसलिए ये थोड़ा पतला हुआ है। हम इसमें थोड़ा सा बिल्कुल मामूली मैदा मिलाएंगे, थोड़ा सा और 20 ग्राम उत्तम मैदा मिलाएंगे। बिल्कुल हमने इतना थोड़ा सा मैदा मिलाया है इसमें, और आपको भी गुनते वक्त ऐसा लगा तो आप भी थोड़ा सा और डाल सकते हैं इसमें। अगर आप बटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने छाछ वाला बटर इस्तेमाल किया है तो इसलिए हमें
थोड़ा पतला हुआ हमारा, इसलिए इसको हम थोड़ी देर गून के फ्रिज में 10 मिनट रहने देंगे। इसके बाद फिर से हम, आप जो चाहे डिज़ाइन के आप बिस्किट बना सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले से बेलेंगे। इसको बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही रहने देना है हमें इसे, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा। पहले हम इस साइज के बनेंगे इस तरह से। हमने इतने अपने साइज के लिया है। इस पे हम इस तरह से काजू जो रखा था हमने, ये इस तरह से लगा लेंगे इस पे। एक एक काजू लगा लेंगे इस पे हम। इस तरह से हमने सब पे काजू लगा लिए हैं। बहनों, हमने ये बेकिंग ट्रे को, इस तरह के हमारे पास बेकिंग ट्रे है, इसे हमने बटर पेपर लगा के इस पे बटर लगा लिया है। इस पे थोड़ा सा मैदा भी डाल देंगे हम। अगर आपके पास जो भी बेकिंग ट्रे है कोई भी ले सकते हैं। अब इसमें हम बिस्किट रख लेंगे। ये थोड़े फूलेंगे इसलिए हम इसे थोड़ा खुला खुला रख रहे हैं, थोड़ा इसका साइज बढ़ेगा इसलिए इसे थोड़ा दूर दूर रखेंगे। इस तरह से दूर दूर रखा है हमने। अब चलिए दूसरे साइज के अब हम बनेंगे। चलिए इसको भी हम बेल लेंगे। इसको भी हमने इसी तरह बेल लिया है। अब इसके हम इस तरह के, इस साइज के बनेंगे। अब इससे हम ये जो पिस्ता रखा था ये लगा लेंगे। तो चलिए अब ये हमारे दूसरे भी तैयार हो गए। अब इसी तरह हम ये तीसरे वाले इस तरह के भी बना लेंगे। चलिए इसे भी हम बेकिंग ट्रे में रख, इसी तरह अब हम ये तीसरे भी बना लेंगे, इसे भी बेलकर। इसको भी हमने बेल लिया है। चलिए अब इसे भी हम इसके ये इस तरह के स्टार टाइप के कटर से काट लेंगे। चलिए ये हमारे ये भी तैयार हो गए। इसको भी हम ये साइड का इसका निकाल लेंगे। इसे हम ये जो बादाम रखा था ये बादाम लगेंगे इस पे हम, एक एक इस तरह से।
तो चलिए ये हमारे ये तीन किस्म के नान खते तैयार है। इसे हम इसे भी इसे ट्रे में रख देंगे उस तरह से। तो चलिए बहनों अब इसे हम ओवन में बेक करेंगे। हमने ओवन को 200 डिग्री पे पहले से ही गरम करके रखा था, तो इसे हम 200 डिग्री पे 20 से 25 मिनट तक बेक करेंगे। 200 डिग्री पे हमने इसे बेक होने के लिए 20 मिनट रखा है, तो इसे 10 मिनट हो चुके हैं। हम इसे और 5 मिनट होने देंगे, इसके बाद हम ओवन को बंद कर देंगे और इसमें ही रहने देंगे इसे थोड़ी देर। इस तरह से ये हमारे अच्छे से बेक हो चुके हैं, बस हमें 3-4 मिनट और इसे हमें रहने देना है, फिर इसके बाद हम ओवन को बंद कर देंगे। दोनों कॉइल पे हमने इसे रखा था। हल्के गोल्डन होने तक ही हमें इसे बेक करना है, इसे बहुत ज़्यादा हमें लाल नहीं होने देना है। तो बस हम और 2-3 मिनट इसे रहने देंगे, इसके बाद इसे बंद करके ओवन को सिमी रहने देंगे। और हमने ऊपर नीचे दोनों कॉइल इसके रहने दिया था, तो ये 10 से 12 मिनट से हमारे ये बिस्किट नान खत्म हो रहे हैं। इसे अब हम 1-2 मिनट के बाद ओवन को बंद कर देंगे। लीजिए ये बहनों हमारा नान खतई तैयार है। इसे हमने टोटल सिर्फ 15 मिनट ही बेक होने दिया है। और दोनों कॉइल चालू रख के 200 डिग्री पे हमने इसे 15 से 13 मिनट होने तक बेक किया है। तो लीजिए बहनों ये लजीज नान खतई तैयार है। इसे आप ज़रूर घर में ट्राई करें और अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें। अल्लाह।